अच्छा जी, ये हमारे पास है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मॉडल। ऊपर हमारे पास थोरेक्स का है, लेकिन वो अभी हमने नहीं पढ़ना क्योंकि सेकेंड ईयर में हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इंक्लूड होती है और थोरेक्स फर्स्ट ईयर में इंक्लूड होता है। अच्छा जी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के हमारे पास जो है तीन फ्लैट मसल्स हैं और दो दो हमारे पास जो है वो वर्टिकल मसल्स हैं। फ्लैट मसल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लीक है जो कि हमारे पास जाता है इन्फीरो मीडियली, सही है। एक और हमारे पास जो है वो है हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक जो कि जाता है हमारे पास सुपीरियर मीडियली, और एक है हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस यू। अब हम अगर वर्टिकल मसल्स की बात करें तो ये है हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस और एक होता है हमारे पास पेरिमेडालिस जो कि इसमें शो नहीं हुआ हुआ। अच्छा, रेक्टस एब्डोमिनस में हमारे पास ये ऐसे इंटरसेक्शन से बने हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं टेंडनियस इंटरसेक्शन। ये है हमारे पास इम्ब्लाइकस, सही है। ये हमारे पास रेक्टस शीथ है। अगर रेक्टस शीथ की हमारे पास जो है ना वो तीन तरह की कॉम्पोजिशन होती है। पहले हम रेक्टस शीथ को इस डायग्राम्स पे देख लेते हैं, सही है, फिर हम मॉडल पर देखेंगे क्योंकि फिर समझने में ईजी होगा हमारे लिए। रेक्टस शीथ हमारे पास जो एंटीरियरली होती है वो फुली एंड तक प्रेजेंट होती है हमारे पास, और जो पोस्टीरियरली होती है वो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज जहाँ पे एंड हो रहे होते हैं वहाँ से शुरू होती है और आर्क्यूएट लाइन तक जाती है, सही है। आर्क्यूएट लाइन से आगे फिर वो आगे की तरफ प्रोसीड कर जाती है और वो एंटीरियर मतलब एंटीरियर रेक्टस शीथ के पास जाकर कंबाइन हो जाती है। अच्छा, रेक्टस शीथ के हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं या फिर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सही है। अबव द कोस्टल मार्जिन, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कोस्टल मार्जिन क्या होता है मॉडल के ऊपर, लेकिन अबव द कोस्टल मार्जिन हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। उसके आगे सिर्फ हमारे पास आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक जो कि आगे स्टर्नम से आकर मिलता है, सही है, और वो बनाता है एंटीरियर रेक्टस शीट। और पीछे कोई रेक्टस शीट नहीं मौजूद होती और रेक्टस एब्डोमिनस डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज से अटैच हो जाता है। बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्यूएट लाइन, अच्छा बिटवीन द कोस्टल मार्जिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि आर्क्यूएट लाइन क्या होती है और कोस्टल मार्जिन कहाँ पे होता है। उसमें ये होता है कि हमारे पास एंटीरियर रेक्टस शीट भी बनती है और पोस्टीरियर रेक्टस शीट भी बनती है। इसी वजह से जो हमारे पास पोस्टीरियर रेक्टस शीट जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है जबकि एंटीरियर रेक्टस शीट कम्प्लीट होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है इसमें कि हमारे पास एक तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक आता है पूरा रेक्टस शीट के आगे, उसके एपोन्यूरोसिस आता है, सही है, एक्सटर्नल ऑब्लिक का। इसके अलावा इंटरनल ऑब्लिक का एंटीरियर लैमिना एपोन्यूरोसिस का वो आता है और बनाता है हमारे पास एंटीरियर रेक्टस शीट। उसके बाद हमारे पास बैक साइड पे मतलब कि रेक्टस एब्डोमिनस की बैक साइड पर जाता है उसका इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर लैमिना और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का एपोन्यूरोसिस और वो बनाते हैं पोस्टीरियर रेक्टस शीट। अच्छा, बिलो द आर्क्यूएट लाइन अगर हम देखें तो बिलो द आर्क्यूएट लाइन में हमारे पास तीनों मसल्स के एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस सबके एपोन्यूरोसिस आगे की तरफ आ जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस के और रेक्टस शीट बनाते हैं, और पीछे कोई भी रेक्टस शीट मौजूद नहीं होती और ये रेक्टस एब्डोमिनस डायरेक्टली ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया से अटैच होता है दो के उसके पीछे हमारे पास आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया। अच्छा, अब ये हमारे पास रेक्टस शीथ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोस्टल मार्जिन के क्या होता है, सही है। अच्छा, ज़िफोइड प्रोसेस से लेकर कोस्टल कार्टिलेज जहाँ तक एंड हो रहे हैं ये पूरा हमारे पास कोस्टल मार्जिन का एरिया है, राइट, ये पूरा हमारे पास कोस्टल मार्जिन का एरिया, ठीक है। अब आर्क्यूएट लाइन अगर हम देखें तो आर्क्यूएट लाइन जो है ना वो हमारे पास वो चीज़ है जहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर रेक्टस शीट जो है ना वो एंड हो रही है, तो वो जो लाइन बना रही है ना पोस्टीरियर रेक्टस शीट जहाँ पे एंड हो रही है वो जो लाइन बन रही है उसको हम कहेंगे आर्क्यूएट लाइन। ये हमारे पास है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इसके नीचे हमारे पास आ रहा है इंटरनल ऑब्लिक और ये आ रहा है हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस।
एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर हमारे पास बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास लीनिया सेमिनोरिस, ठीक है। तीनों मसल के एपिनियोरोसिस कंटिन्यू होंगे, ठीक है, और वो बनाएंगे कंटिन्यू होकर मिड में आकर हमारे पास बनाएंगे लीनिया एल्बा, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये शोर है।